इमामत करके उजरत लेने कैसे है उससे सर्वज्ञ तक फरमा दीजिए। देखिए इमामत करके उजरत लेना जायज है, लेकिन यहां पर दो अहम बातें हैं जो आप अच्छी तरीके से समझ लें। नमाज पढ़ के उजरत लेना जायज नहीं है, इबादत करने पर उजरत लेना जायज नहीं है, लेकिन वो काम जिस काम के जरिया आप लोगों का ताउन कर रहे हैं, आपका वो काम जिसके जरिया से लोगों का फायदा हो रहा है, उस काम पर आप उजरत ले सकते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने पर आप उजरत ले सकते हैं। तो आप जब इमामत करते हैं तो जाहिर है आप नमाज भी पढ़ रहे होते हैं और दूसरों की इमामत कर रहे होते हैं। तो आप जो अपनी नमाज पढ़ रहे हैं, आप अपनी नमाज पर उजरत नहीं ले रहे हैं। अगर कोई अपनी नमाज पर उजरत ले रहा है तो ये जायज नहीं है। ये उजरत लेना इमाम के लिए इसलिए जायज है क्योंकि एक कायदा है फिक्र में कि हर वो इबादत जिसका फायदा मुतअद्दी हो, मुतअद्दी का मतलब दूसरों को उसका फायदा पहुंच रहा हो, तो दूसरों को फायदा पहुंचाने के एवज में आप उजरत ले सकते हैं। आप अपनी उस इबादत पर उजरत नहीं ले रहे हैं, बल्कि दूसरों को फायदा पहुंचाने पर आप उजरत ले रहे हैं।